करके रहता है, चाहे कुछ भी हो आप लोग आए हैं ये भी श्रेष्ठता है। अपने में गुरु की स्थापना करते हुए, गुरु को आत्मीय करते हुए अगर हम हमारे में गुरु की स्थापना करें तो कोरोना वायरस हमारे को तो आएगा ही नहीं, लेकिन जो हमारे को छुएगा उसे भी आएगा, नहीं आएगा तो चले जाएगा। क्या ऐसी कोई साधना है? क्या ऐसी कोई साधना कर सकते हैं? तो गुरु जी कहते हैं कैसी साधना है। आज वैसे जुलाई 3 तारीख है, मुझे वो दिन याद है जब गुरु पूर्णिमा हैदराबाद की 1998 में थी और 5-6-7 की गुरु पूर्णिमा के गुरुकर्ण के दिन थे और 3 तारीख को गुरु जी ने महाप्रयाण किया था। वो आज ही का दिन है, 3 तारीख के दिन गुरु जी ने महाप्रयाण किया था। तो मैं परमपूज्य सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सबको आपने बनाया है और मेरे पास जितने भी साधक आ रहे हैं एक बार आए तो मुझसे छूटे नहीं प्रभु, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि वे आपसे बने रहें और कि आत्मा उनकी आत्मा आप में प्रवेश करें और उनकी आत्मा के साथ आप जुड़े रहें। ऐसी कौन सी साधना है जिसे हम करके आज धन्य हो सकते हैं? तो आज गुरु जी के इस महानिर्वाण दिवस पर, महाप्रयाण दिवस पर हम एक छोटी सी ऐसी ही साधना संपन्न करेंगे जिससे गुरु जी का आत्माइक हो और गुरु जी हमसे मिले, हम गुरु से मिले। हमारी ऊर्जा कम से कम गुरु जी के लिए, गुरु जी की चरण धूलि की उतनी भी ऊर्जा हो तो जिस गुरु जी के चरण के धूलि को लगाने से भी हमारे सारे रोग निवारण होते हैं। ऐसी स्थिति में हम गुरु जी के साथ आत्मिक के हो, गुरु जी के आत्मिक के साथ आए और इसे श्रेष्ठ कहा गया। इसे केवल उसी दिन मनाना है जिस दिन गुरु जी का एक विशेष पर्व कहलाता है, जैसा जन्मदिन, पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का दिन और गुरु जी का महाप्राण जैसे आत्मिक के दिवस, गुरु जी गुरु से मिलने का दिवस, ऐसे दिवसों की श्रेष्ठ। तो आज गुरु जी का महाप्रयाण दिवस है। आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने आप को सुदृढ़ बनाएं। आपने अच्छाई बुराई सब कुछ की होगी, मैं इस बात को जानता हूं। तो हमने जिस भैरव की स्थापना की है, आज आप लोग पहले सिंदूर का तिलक कर उस भैरव के सामने जाकर गुड़ के पानी का नैवेद्य बताएंगे। शराब नहीं, गुड़ के पानी, गुड़ पानी मिलाया हुआ। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्षेत्र है और यहाँ गुड़ का पानी ही भैरव को पीना होगा, यही कहते हुए भैरव को यहाँ लाया हूँ। ये सात्विक लोगों का है और यहाँ यज्ञोपवीत पहनने वाले और गुरुमंत्र जप करने वाले हैं। प्रभु आपको गुड़ पानी ही मिलेगा, शराब विराब नहीं मिलेगी, यहाँ आपको स्वीकार करना होगा और भैरव ने आनंद के साथ स्वीकार करके आए। तो हम मालूम होकर या न मालूम होकर, कुछ समझ कर या नहीं, उनको नैवेद्य बताकर वो पानी आपके सामने रखकर रख लेंगे। उस पानी के सामने केवल एक छोटा सा एक माला मंत्र करेंगे, बाद में वो गुड़ का पानी पी लेंगे, तब आप सारे पापों से शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाने के बाद मैं यहाँ गुरु के शरीर को अभी कुछ विशेष मंत्रों के साथ चंदन लगा रहा हूँ। उस चंदन को गुरु जी के बाहुओं को, गुरु जी की छाती को, नाभि को, सर को, ऊपर चरणों को, जांघों को, ये सब लगाने के बाद उस चंदन को निकाल कर मैं यहाँ रखूंगा। आप भी आपके शरीर को मस्तक पर तिलक करते हुए दोनों बाहों पर, छाती पर, नाभि पर, दोनों घुटनों पर रख लेकर लगा लेने के बाद पूर्णत्व माला को धारण करते हुए आप, मैं एक विशेष गुरु आत्मिक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र को आज के दिन अगर आप करते हैं तो गुरु जी के साथ गुरु जी आपकी आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं और आपके साथ गुरु जी मिलते हैं और आप उसका अनुभव भी करेंगे कि गुरु जी आपके साथ है। आप उस माला को 21 माला या 51 माला जो आज पूर्ण करता है, गुरु जी का आत्मा की साधना होगी। उसका मतलब है गुरु जी के साथ अपनी आत्मा का जुड़ना। वो तो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा में मिलने की क्रिया है, लेकिन हम अगर सिद्ध होते हैं गुरुत्व का प्राप्त होती है, गुरु जी को, गुरु जी के शरीर को, गुरु जी की हम होती जो आज 20 सालों से यहाँ आयु हुई और इसकी नित्य पूजा होती है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा है और जब भी पूजा करते हैं आप सब लोग जानते हैं। अगर मैं गर्व के साथ कहूँ कि मेरे पास आने वाले हैदराबाद से आने वाले तो आएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़, गुजरात और यदि इतनी इतनी दूर से आ रहे हैं तो कोई गुरु कृपा ही होगी जो उनके पीछे कोई नहीं खड़ा। आज भूम के साधक 450 किलोमीटर दूर से पूर्ण धैर्य के साथ आए। जब उन्होंने ये अगर कहा कि गुरु जी आपने हमें कम से कम किसी पुलिस ने टोका नहीं, हमें पुलिस को टोका है कि हम जा रहे हैं और उन्होंने कहा वो कुछ नहीं कहा, तो ये गुरु कृपा ही हुई। तो ऐसी स्थिति में जो आने की क्रिया हुई तो हमारे पीछे गुरु जी की कितनी कृपा है आप जानते हैं। ऐसी स्थिति में जिस वायरस के कारण हम सब लोग पीड़ित हैं या हम सब लोग आज इतने नहीं आए जो गुरु पूर्णिमा में आने चाहिए थे, ऐसी स्थिति में उस चंदन को अगर हमारे शरीर को भी हम लगा लेकर उस 21 माला को 51 माला को करते हैं
तो हम गुरु की आत्मा की साधना को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी साधना करने के लिए मैं अभिषेक बीच में रोका हूँ, ब्राह्मणों को भी रोका हूँ, मंत्र में करता हूँ। तब तक आप सब लोग भैरव के पास जाएंगे, मैं भी बोलता हूँ भैरव के पास जाने से जाने के बाद उनके चरणों को सिंदूर लगाओ और उस सिंदूर का गर्भ कर लो और एक छोटी सी कटोरा गुरु का पानी में रखा है देता हूँ। बोला नहीं बोलता हूँ, अभी अभी मैंने साधना देखी और आज के लिए वो साधना की है। और वो गुड़ का पानी एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में या प्लास्टिक कटोरी में आप डालो और उस गुड़ के पानी को पीने से आपके पहले शरीर में जो भी पाप है, आपने अच्छा बड़ा कुछ भी खाया है, कुछ श्राद्ध का किसी का खाया हुआ है, किसी के मर गए तो खाना खाया, किसी होटल का खाना खाया, अच्छा बड़ा कैसा पकाता है, तो ये सारे दोष निकल जाएंगे। तो दोष निकल जाने के बाद गुरु के शरीर को लगाया हुआ चंदन आप धारण करेंगे और उसके बाद पूर्ण माला को धारण करते हुए आप एकता माला करेंगे। आज के दिन गुरु जी को आपको प्रदान करें। ऐसे आज ही गुरु से प्रार्थना करता हुआ आपको इस साधना को निश्चित रूप से आज के दिन करें। पूर्ण माला जो मैंने बोला है सिंदूर का उनके चरणों में करो और थोड़ा गुड़ पानी उनको नहीं बता दो, गुड़ का पानी यहाँ ला लो। भैरव का कौन सा मंत्र करना है मैं आपको आने के बाद बोलता हूँ, आप ला लो, मैं तब तक यहाँ गुरु मंत्र की पूजा करता हूँ। पूर्णत्व माला ले लेना, वहाँ से पूर्णत्व माला लेना और आपके गले में धारण करना और आत्मा की साधना आपको करवाता हूँ।